नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं जी? हम बांका जिला से बात कर रहे हैं जी। बताएं सचिन, किस स्टॉक पे आपका सवाल है, किस भाव पे लिया है, और इसके साथ ही ये भी बताइए कि आप कितना समय और दे सकते हैं स्टॉक में। जी हम इंडसलैंड बैंक लिए, वो 1335 रुपए, करीबन 37-37 लिए हुए हैं। ठीक है, जिसमें अभी तो लॉस पूरा कुछ ज्यादा नहीं है, करीबन हम इसको 2-3 महीना तक वेट कर सकते हैं। और ठीक है, 2 से 3 महीने का नजरिया। 1335 के भाव पे इन्होंने 37 शेयर लिए हुए हैं, नुकसान 2100 के आसपास यहां पर होता हुआ। अक्षय, 2 से 3 महीने और समय देना चाहते हैं इंडसइंड बैंक को, बताइए क्या नजरिया बन रहा है? जी देखिए, इंडसइंड बैंक टेक्निकली प्राइस सेटअप देखो तो मैं एक नेगेटिव प्राइस स्ट्रक्चर है। गए 2 दिन का अगर आप स्टडी करें तो एक बहुत ही अहम टेक्निकल सपोर्ट 1325 इसको ब्रेक करा है, और बेयरिश ब्रेकडाउन होने के बाद वॉल्यूम के साथ काफी सेलिंग प्रेशर बढ़ती हुई दिखी है। तो मेरा एक्सपेक्टेशन है कि शायद शॉर्ट टू मीडियम टर्म में स्टॉक में और थोड़ी पिटाई हो सकती है, जिसके चलते स्टॉक 1200 या 1180 का स्तर, निचले स्तर छू सकता है। तो नेगेटिव प्राइस स्ट्रक्चर होने के चलते एग्जिट करना जरूरी होगा आपको, क्योंकि आपका टाइम ड्यूरेशन होल्डिंग का काफी छोटा है, 1 से 2 महीने का, और इमीडिएटली स्टॉक में और 70 रुपए से 80 रुपए डाउनसाइड जाने की गुंजाइश है। तो एग्जिट की राय रखूंगा मैं इंडसइंड बैंक।